दिल्ली सरकार के राजस्व में दर्ज हुई बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था के इस बुरे दौर में भी दिल्ली की जीएसडीपी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राज्य की अच्छी जीएसडीपी का असर दिल्ली सरकार के बढ़ते राजस्व पर भी साफ दिखता है। 2014-2015 में जहां दिल्ली सरकार का बजट 30,000 करोड़ रुपए से कम था, वहीं इसकी तुलना में 2019-2020 के बजट का अनुमान 60,000 करोड़ रुपए है, यानी 2 गुने से ज्यादा। दिल्ली सरकार की इस बढ़ती कमाई का एक बड़ा कारण ईमानदार सरकार का होना है। दिल्ली सरकार ने ऐसे ढेर सारे कदम उठाए जिनसे सरकार का मुनाफे में आना सुनिश्चित हुआ। वैट दर को घटाया। दिल्ली सरकार ने 2016-2017 में कई सामानों पर कर स्लैब में 5% से 12% तक की कटौती करने का फैसला किया। वैट की दरों को कम करने का ये कदम करदाताओं और सरकार के बीच आपसी समझ विकसित करने में अहम साबित हुआ। बाजार को ध्यान में रख कर बनाई गई नीतियाँ। जीएसटी लागू होने के समय दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी प्रमुख बाजारों में स्थानीय व्यापारियों और बाजार संघों की भागीदारी के साथ जीएसटी बाजार समितियों का गठन किया। साथ ही दिल्ली सरकार ने 6 जीएसटी हेल्पिंग वैन भी चलाई। इन प्रयासों ने व्यापारियों को जीएसटी को सरलता से समझाने में काफी मदद की। दिल्ली सरकार की ऐसी ही नीतियों के चलते आज दिल्ली का राजस्व बढ़ता जा रहा है।